वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइल्ड अब्यूज के हवाले से। सुबह हमने खबर देखी और अब कई दिनों से उसके बारे में बात भी हो रही थी कि जो जैनब कत्ल केस था उसमें कातिल मुल्जिम इमरान अली को फांसी दे दी गई आज सुबह, और ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। चाइल्ड अब्यूज के केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन चंद रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते हैं, रिपोर्ट हो जाते हैं तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। सिर्फ एक इमरान की बात नहीं है, इमरान अली की बात नहीं जिसको फांसी दी गई, बेतहाशा ऐसे केसेस हैं जिनमें अभी तक कोई खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आए। एक बड़ी वजह यह थी जैनब कत्ल केस की कि इसमें बहुत ज्यादा हाइप मिली, इसको सोशल मीडिया पर हाइप किया गया, एनजीओ ने उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा उठाया, तो उसकी वजह से भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस भी लिया गया। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ जैनब कत्ल केस की बात की जाए तो चाइल्ड अब्यूज खत्म हो जाता है, चाइल्ड अब्यूज के जो उसके अंदर लॉज हैं वो क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना आता है, जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के केसेस हैं वो कब कब कैसे कैसे रिपोर्ट हुए, इन तमाम तर चीजों पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आतिफ अदनान हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उसके साथ साथ इफ्तिखार मुबारक होंगे जो कि चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, और डॉक्टर तंजीला तंजीम होंगी जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तीनों को वेलकम करेंगे, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आतिफ अदनान साहब आपकी जानिब आऊंगी। आज हमने सुबह देखा कि जैनब कत्ल केस के मुलजिम को फांसी दे दी गई। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट होते हैं और जिनका फॉलो अप भी लिया जाता है या नहीं लिया जाता। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत ज्यादा केसेस हैं जो कि अनरिपोर्टेड जाते हैं, ये बात तो फैक्चुअल है। इसके साथ एक चीज़ और कनेक्ट करती है कि जो रिपोर्ट हो जाते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। सो ये जो भी जैनब का केस था, डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा हाइप मिली, तमाम इदारों ने बड़ी कोशिश की और बहरहाल मंतिकी अंजाम तक वो पहुँच गया है, बात तो अप्रिशिएटेबल है। लेकिन इसके साथ साथ जो और केसेस पेंडिंग हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो केसेस पेंडिंग हैं, क्या हम उनको भी यही जो है ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, इसी तरह की जो है लीगल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो भी उनकी रेमेडी है इसी तरह दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, तो ये सवाल है। दूसरा, अगर आप इसको कनेक्ट करें कि जो कसूर का एक इंसिडेंट हुआ था, कसूर स्कैंडल का, उसके केसेस को भी अगर आप स्टडी करें तो वो भी कोई इतने अच्छे तरीके से जो है ना हैंडल नहीं हुए, ऑल्दो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी उस वक्त जब ये इंसिडेंट जो है अनर्थ हुआ था। लेकिन अगर अभी आप उनकी सिचुएशन देखें तो कोई इतना कोई अच्छा जो है ना उनके साथ एंडिंग नहीं हुई उनके, स्पेशली उसमें एक दो जो विक्टम है उनके ऊपर मुल्जिम पार्टी ने झूठे केसेस कर दिए हैं उन्हीं केसेस के रिवेंज में। तो अगर मेरा ये ख्याल है कि अगर सिस्टम इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए कि उस सिस्टम के अंदर आते ही कोई भी इस तरह का जो केस है वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम के थ्रू बेहतर अंदाज से जहाँ पे विक्टिम की सपोर्ट हो बेसिकली, क्योंकि विक्टिम के लिए इस तरह का केस जिसके अंदर ह्यूमिलेशन रिस्पेक्ट वगैरह इन्वॉल्व है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर उसको फेस करना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली जब बच्चा या बच्ची हो, उनके पेरेंट्स देख रहे होते हैं, सोसाइटी देख रही है। वाले केस में भी पेरेंट्स के लिए कितनी एक मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल काम है, इस तरह का केसेस को फेस करना कोई आसान काम नहीं है। तो बेसिकली जो होना चाहिए, अगर सजेशन आप मेरे से पूछें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इस तरह की रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि जो थोड़ा सा प्रो विक्टिम हो, जहाँ पर विक्टिम को लीगल एड की ज़रूरत है वहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन को एक्सपर्ट प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए, स्पेशली जिन जो चाइल्ड सेंसिटाइज हों, कोर्ट्स को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो क्राइटेरिया एविडेंस का असेसमेंट का, एविडेंस के असेसमेंट का, उसके ऊपर बच्चे को देखते हुए उन्होंने कुछ उनको प्रिंसिपल लेट डाउन करने चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम हैं या कंप्लेनेंट फैमिली है वो एक्सपर्ट लिटिगेंट्स नहीं होते, तो उनको नहीं पता कि उन्होंने एफआईआर कैसे करानी है। उनमें से बड़े लोग ऐसे हैं जिनको पहली पहली दफा थाने जाने का इत्तेफाक होता है, उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें बात कैसे करनी है, दरख्वास्त कैसे लिखनी है। सो इनिशियल स्टेज के ऊपर ही अगर उनको उनके केसेस को टेकअप कर लिया जाए और उनको जो है बेस्ट लीगल एड प्रोवाइड की जाए, तो मेरा ख्याल है इस तरह के जो केसेस हैं, इसके साथ एक और चीज़ कि जो इस तरह के केसेस हैं जब वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं तो उसको थोड़ा सा बताना चाहिए दुनिया को कि ये इस, ताकि लोगों को एहसास हो, यस, ताकि लोगों को एहसास हो कि इस तरह के केसेस ट्राई होकर उनको सजा भी होती है, सजा भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये खुली छूट दी जाती है ना, अब मतलब खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो बेचारी फैमिली या तो रिपोर्ट नहीं करती, अगर रिपोर्ट कर भी दे तो इतनी मुश्किल में फंस जाती है कि वो उससे बैक ऑफ हो जाए। साइकोलॉजिकली बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जैसे हमने इसका भी देखा, और इस पर भी जब ये केस जैनब वाला सामने आया तो बहुत सारी बातें हुई कि साइकोलॉजिकल कोई इसका इशू था या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्या इस सिनेरियो में आप कहेंगे इस हवाले से? थिंक इज नो डाउट फैमिली पे पड़ता है इसका असर, ऑब्वियसली बच्चे पर पड़ता है, नॉट ओनली वो फैमिली जिसने ये सफ़र किया बल्कि वो सब फैमिलीज जो इसको देख रही हैं, इवन जब ये टेलीविजन पे ये
डॉक्यूमेंट होता है कि लोग किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो सब पेरेंट्स खौफज़दा होते हैं कि कहीं मेरा बच्चा तो विक्टिमाइज नहीं है. तो आई थिंक अगर आज ये इकदाम हुआ है कि उसको फांसी दिया, इट्स अ गुड स्टेप एटलीस्ट फॉर अवेयरनेस है उन फैमिलीज के लिए कि लोग इसको हाइड मत करें, बताएं, बल्कि साथ उन सब पेरेंट्स के लिए आई थिंक इट्स अ सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस है सब फैमिलीज के लिए कि जब इस तरह का मामला हो डोंट स्नब योर चाइल्ड के लोग आपकी वजह से ये हुआ है या हमारी इंसल्ट होगी या कुछ होगा, ऐसा नहीं. अपने आप को लो मत फील करें, बल्कि ये करें कि अपने बच्चे से पहले से ही टॉक करना शुरू करें इन इश्यूज पर कि बेटे ये गुड टच है ये बैड टच है. गुड टच और बैड टच की पहचान तो मेरे ख्याल से बच्चे को बहुत अर्ली बता देनी चाहिए. जैसे अभी हमारे साथ बात कर रहे थे कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ज्वाइंट एफर्ट, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ने करना है बल्कि पेरेंट्स करें, स्कूल में करें. स्कूल में जैसे नाजरा होता था इसी तरह इस तरह के शॉर्ट प्लेस करा लिए जाएं जिसमें एक्शन एंड रिएक्शन बताया जाए, सम सॉर्ट ऑफ डमी प्ले करके कि जिसमें ये बताया जाए कि लुक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हाउ यू कन्फ्रंट इट इनडायरेक्टली. अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स एक टाइम लेकर जिसमें अपने बच्चे को गुड टच एंड बैड टच के बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताऊंगी फ्यू टिप्स, लोग अपनी बाउंड्रीज बच्चे को कहें कि सेट करें. अब उन बाउंड्रीज में क्या है कि दिस इज माय बॉडी, इट्स माय पर्सनल पार्ट और कोई उसको टच नहीं करेगा. ये पहले से ही जब बच्चा छोटा उसकी अपब्रिंगिंग के दौरान ही ये सिखाना शुरू कर दें कि हमने किसी अंकल की लैप पे नहीं बैठना. इफ वी रिकॉल हम सब करें तो हमारे पेरेंट्स भी ये कहते थे किसी और से हमने कोई चीज नहीं लेनी है. इज इट, अगर आपको भी याद हो हमने किसी गैर अंकल के घर नहीं बैठना, किसी आंटी से कोई एक्सेसिव चीज नहीं लेनी. लोग हमें ये नहीं देखना सिर्फ ये मेल ही होगा ये काम कर सकते हैं, ये फीमेल्स भी हो सकती है. हमारे पास बहुत से बच्ची को नहीं बच्चे को भी करना है. ये नहीं कि वो बहुत छोटा है अभी मैं उसको छोड़ दूं कि उसको नहीं इन चीज़ों का समझ नहीं. हर बच्चे को इवन कोई सख्ती से पकड़ता है तो तब भी उसको पता है कि लोग ये आंटी अच्छे तरीके से नहीं बात करी. सो प्ले के थ्रू एक सेट टाइम करें जिसमें ये सब बताना है कि बेटे इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ बैड. एंड सबसे पहली चीज उनको ट्रस्ट दिलाएं कि मैं आपकी बात पे ट्रस्ट कर रही हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं. नॉर्मली इस केसेस में हमने अभी ऑब्जर्व किया कि बच्चे रिलक्टेंट होते हैं, वो बताते ही नहीं है घर के पेरेंट्स को पता ही नहीं होता. Agree. और इस वजह से भी बहुत सारे खुदा ना खास्ता केसेस आते हैं. आज की तरफ आएंगे हम आतिफ साहब. हमने चूंकि अभी केसेस की बात की, लॉज भी कुछ कहते होंगे. अब डेफिनेटली ज़ैनब के कातिल को फांसी तो हुई है, लेकिन उसके अलावा भी कोई प्रोसीजर्स या प्रोसीडिंग्स जो भी होती है वो थोड़ा सा हमें उस हवाले से भी गाइडेंस. देखिए, अगर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले या जैसे भी इफ्तार भी बता रहा था, पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका पुलिस स्टेशन है, ठीक है. वहाँ पे फिर आप वहाँ से आप जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए. विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, साथ साथ एफआईआर का प्रोसेस चल रहा होता है. जो प्रैक्टिकली है वो उम्मीद तौर पर मेडिकल के बाद एफआईआर दर्ज कर देते हैं. एफआईआर दर्ज होने में कोई ऐसा सच अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता. आल्दो कि कसूर वाला इंसिडेंट है जिसके अंदर उनका यही कंप्लेंट थी कि एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हो रही थी. लेकिन अगर आप इन जनरल बात करें तो एफआईआर अब हो जाती है क्योंकि एक दफ़ा मीडिया में फ़ौरन आ जाता है, चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं, हाई अप्स तक पहुँच जाती हैं. अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है ना, वो बड़ा उसको देखने की ज़रूरत है बड़ी ज़्यादा. अभी लाहौर पुलिस ने, अभी मैं और इफ्तार बल्कि ट्रेनिंग में भी थे पुलिस के साथ, उन्होंने बताया कि जी हम लोगों ने जीबीवी सेल बना दिया, जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल. वो बेसिकली इस तरह के केसेस टेकअप करता है. वहाँ पे हमने फीमेल इंडक्ट की हैं, आईओएस वगैरह. लेकिन अभी ये काम स्टार्ट हुआ है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में. अब आप देखें, एक विक्टिम बच्चा है या बच्ची है, उसको एक थाने के माहौल में और मेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है. उसने वही चीज़ दोबारा उसको बतानी है जो उसके साथ सानिया हो चुका है. तो वो बड़ा उनके लिए बड़ा टीजिंग होता है, स्पेशली फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा होता है. जिसकी बेटी के साथ हुआ है वो बाप देख रहा है कि मैं अपनी मेरी बच्ची ये बयान कर रही हूँ ज़ैनब के वालिद को. एग्जैक्टली जी. तो उस थोड़ा सा वहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. जब वहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद ये जब अदालतों में आता है. अभी मतलब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव लिया था. उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स बनाई थी, फिर एक जीबीवी की लदा बना दी थी. मलिक रहमत अली साहब उसमें जज हैं. वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर वो भी फीमेल है, ये अच्छी चीज़ है. लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो कि वहाँ पर जज भी जो हो वो फीमेल हो जाए, एडिशनल सेशन जज की वो कोर्ट है. तो अभी एक बल्कि मैं केस ही वहाँ मेरा केस वहाँ पे था, तो वो विक्टिम जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हुए रो पड़ी. और ये अक्सर आम बात है वहाँ पे कि विक्टिम जब जाहिर है कोर्ट में उसने अपनी स्टेटमेंट देनी है, तो उसने वो इंसिडेंट दोबारा डे फर्स्ट जब हुआ है उसके साथ एंड तक उसने बताना है. वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, खास करके फीमेल्स के लिए उनको फेस करना बड़ा प्रॉब्लम होता है.
तो ये छोटी छोटी रिफॉर्म्स हैं, फिर आपका रिस्पांस है जो पुलिस का, उसको आप बड़ा प्रम्प्ट करें। जिस तरह अभी इफ्तिखार ने बात की कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बाकायदा पॉलिसी और एक बाकायदा डिपार्टमेंट होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट चलिए अगर ये डिपार्टमेंट नहीं भी बना सकते, जो अपने डिविजन डिपार्टमेंट हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि जैसे पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, अभी जो प्रॉब्लम है, देखिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ऑफिसर है जिसने उस केस को कोर्ट में प्लीड करना है, उसने हर वो गलती जो पुलिस की तरफ से भी हुई हुई है उसको भी कैटर करना है, फिर उसने हर वो चीज़ को करना है जिसने इंश्योर करना है कि मुलज़म जो है उसको कन्विक्शन हो। अब प्रोसिक्यूटर्स के पास भी जो है प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है कि उनके पास विटनेस को प्रिपेयर करने, विटनेस को प्रिपेयर करने का मतलब जो उसने स्टेटमेंट कभी करवाई है आज से 6 महीने पहले अपनी रिकॉर्ड करवाई है पुलिस के पास, उसको दोबारा याद करवाया कि आपने ये स्टेटमेंट करवाई, बकायदा जैसे विटनेस प्रिपेयर होते हैं उसको बताया कि भाई डिफेंस लॉयर आप पे इस तरह का क्वेश्चन करेगा, हो सकता है आप पे कुछ ऐसे क्वेश्चन करें जिससे आप समझें कि आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, तो उसको मेंटली प्रिपेयर करें उस तरह का। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशंस के पास प्रोसिक्यूटर्स के पास ऐसा कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि जहाँ पे वो, उनके पास काफ़ी सारे केसेस होते हैं और रश ऑफ वर्क उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली कम अज़ कम प्रोसिक्यूटर एक नॉर्मल बंदा भी जो है अगर उसने अच्छा परफॉर्म करना है तो पहले आप उसको वो एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। अब हमने भी बात की, अब चूँकि नई गवर्नमेंट भी आई है, हमने पुराना उसमें सेटअप में भी देखा कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने चाइल्ड अब्यूज पर नहीं, क्या एक्सपेक्टेशन हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ पर काम किया जाए, क्योंकि अभी हम इसको सिर्फ ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते हैं लेकिन ये एक परमानेंट इशू है, हमें इस पर परमानेंट एक फॉलो अप, परमानेंट एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो अभी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो उर्मिला जैसे भी यातिफ भी बात कर रहे थे और मैडम तंजीना ने भी बात की, इस इशू की आमतौर पर जब डिबेट स्टार्ट होती है ना तो वो उस वक्त स्टार्ट होती है जब खुदा ना खास्ता को वाकया रूनुमा हो जाए। पुलिस का रोल आएगा, वाकया हो गया, प्रोसिक्यूशन का रोल आएगा, वाकया हो गया, जजेस का रोल आएगा, वाकया हो गया, तो उसमें इंसाफ देने के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है और गैप है कि हमारे यहाँ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स का बिल्कुल, मैं अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि जो हैं वो इंतहाई लिमिटेड हैं और मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप बिल्कुल पीनट्स कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब चूंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और हमारे लिए बड़ी इंकरेजमेंट की ये बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब पहले दिन अपनी स्पीच की, कौम से अपना खिताब किया, तो उसमें चाइल्ड अब्यूज़ वाज द वन इशू जिसको उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत जो है वो आगे लेके चलेगी। तो अब मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द टाइम कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी कमिटमेंट की है इस कौम के साथ, उनको एक्शंस के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए उनकी बाकी जो टीम है, उनके जो लाइक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, बाकी इदारे हैं, वो सब के सब जो है वो उस काम को जो है वो एफिशिएंटली जो है वो आगे लेके चलें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए कि हमें प्रिवेंशन प्रोग्राम्स डिजाइन करने की जरूरत है। लेकिन ये सबसे जो बड़ी चीज़ है टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और सेंसिटाइजेशन, उनके जरिए जो है वो बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग, बच्चों की सेंसिटाइजेशन के बच्चे खुद को कैसे महफूज जो है वो रख सकते हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, बुनियादी तौर पर एक मूवमेंट थी उजाला के नाम से जिसके अंदर मुख्तलिफ गैर सरकारी जो इदारे थे वो बच्चों के और औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ काम कर रहे थे। सो हमें एक इनिशिएटिव बड़ा पॉजिटिव नजर आया हुकूमत पंजाब का जो कि मुल्तान के अंदर खवातीन के लिए एस्टेब्लिश हुआ है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर। अच्छा, वो वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर इसलिए अपनी नवयत का बड़ा दिलचस्प इनिशिएटिव है कि अंडर द वन रूफ वो सारी सर्विसेज जिनका भी आतफ और मैडम तंजीला तस्करा कर रही थी, दे आर अवेलेबल अंडर वन रूफ कि अगर कोई डोमेस्टिक, लेकिन वो खवातीन के लिए है और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार खवातीन के लिए है, बट दैट इज एन आइडिया ले सकते हैं कि वहां पर आपके पास डॉक्टर मौजूद है, वहां पर आपके पास लॉयर मौजूद है, वहां पर आपके पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, आपकी पुलिस जो है वो वहां पर मौजूद है। सो विक्टिम को जरूरत नहीं है कि वो कभी पुलिस के पास जाए, कभी कहीं जाए, उसके पास एक रूफ है जिसके नीचे वो जाए और वो अपना तमाम। एग्जैक्टली, तो इस तरह का कोई ना कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन सेंटर, कोई इस तरह का सेंटर जो है वो उसको पायलट किया जाए और उसके रिजल्ट देखे जाए कि वो किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है एड्रेसिंग द चैलेंजेस जो है वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन को एड्रेस करने के लिए। तंजीला, एक छोटा सा मैसेज आपकी जानिब से जो आज के टॉपिक के बारे से आप अवेयरनेस के हवाले से देना चाहें, फिर हमें कॉल भी लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इत्माद दें, उनको ट्रस्ट दें, उनको पहले से सिखाएं कि लुक डोमेस्टिक इश्यूज अलग हैं लेकिन आपकी बात इज इम्पॉर्टेंट है, उनको ट्रस्ट दें, प्लस उनकी हर बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर मेरा बच्चा कुछ पॉइंट आउट कर रहा है, प्लस उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से नोटिस करें कि कोई डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं आम रूटीन से, क्या आगे से कम बोलना शुरू हो रहा है, चुप चुप रह रहा है, पैसिव हो गया, या मेरा बच्चा एग्रेसिव हो गया है। इन सब चीज़ों को हाईलाइट करें या सोचें, बात करें कि ये ऐसे चेंजेस क्यों आ रही हैं जिसको इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस कह रहे हैं। प्लस उनका एक सेट टाइम रखें जिसमें हमने उनको डिसिप्लिन करना है
कि ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर. ठीक हो गया, थैंक यू. थ्रू पिक्चर्स, थ्रू प्ले, एक हम समझ रहे होते हैं कि नहीं डांट की बात समझानी है, प्यार से उनके साथ कम्युनिकेट करें. ट्रू ट्रू. और विद पिक्टोरियल पिक्चर्स जितनी अच्छी होंगी, विवर्ड होंगी, बच्चे को पता चलेगा. और प्लस एक और चीज, हम लोगों ने निक नेम्स रखे होते हैं इन बॉडी पार्ट्स के, जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स हैं उनके निक नेम मत रखें, उनके अप्रोप्रिएट वर्ड्स हो विद पिक्चर, ताकि बच्चे को पता हो कि लोग अगर कोई अंकल या आंटी मुझे टच करने को कहते हैं, या नॉट ओनली टच, सिर्फ अब्यूज फिजिकल नहीं है, आपका वर्बल अब्यूज भी है, जिसमें वो वर्ड्स भी हैं जो बच्चे को ह्यूमिलेट करने के लिए, प्लस उसकी सेल्फ स्टीम पे इफेक्ट आता है. सो इन वर्ड्स को भी इम्पोर्टेंस दें कि हाँ दीज आर द डर्टी वर्ड्स, एंड वी हैव टू रिपोर्ट अंकल आंटी नानो दादो जो भी कोई पास है, उनको मुझे बताना है. ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच तंजीला, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब, और बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका भी. जनाब चाइल्ड अब्यूज के हवाले से हमारा आज का टॉपिक था, और हमने कोशिश की कि मैक्सिमम अवेयरनेस दी जाए. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर.